मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि समाजशास्त्र के सिद्धांत पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित है, जिसमें हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत भाग सेकंड पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हमने, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं सामाजिक परिवर्तन के, उनके बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत विलियम आगबर्न के सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबना की हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से संस्कृतियों में भौतिक और भौतिक संस्कृति से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत भाग दो पर चर्चा करेंगे, जो कि सोरोकिन का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक बताए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सोरोकिन है उनका जन्म रूस में हुआ था, जो कि अमेरिकन समाजशास्त्री सोरोकिन ने, कहते हैं इनको अमेरिकन समाजशास्त्री जबकि इनका जन्म रूस में हुआ था। और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में, जो चार खंडों में प्रतिपादित हुई है, चार खंडों में पब्लिश हुई है, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। और जो चक्रीय सिद्धांत वेत्ताओं के अनुसार परिवर्तन एक चक्र के रूप में होता है, जिसमें परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी आदि अवस्थाओं से गुजरने के बाद पुनः उसी अवस्था में पहुँच जाता है। अब यदि आप लोगों ने इससे पूर्व वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग देखोगे कि जो सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमान बताए थे मैकाइवर और पेज ने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय रेखीय प्रतिमान, दूसरा तरंगीय और तीसरा चक्रीय, तो जो सोरोकिन का सिद्धांत है वो चक्रीय प्रतिमान पर आधारित है। सोरोकिन का जो चक्रीय सिद्धांत है वो इस चीज़ का समर्थन करता है कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जो परिवर्तन का चक्र होता है, वो निरंतर चलता रहता है, अर्थात उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो हम लोग जो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, चक्रीय सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जो सोरोकिन ने संस्कृति को तीन भागों में बांटा है, विचारणात्मक, आदर्शवादी और इंद्रियपरक। ये तीन संस्कृतियों के प्रमुख प्रकार उन्होंने बताए हैं और जो सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत है वो इन्हीं संस्कृतियों के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं संस्कृतियों के आधार पर सोरोकिन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों संस्कृतियों में की जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो क्या होती है। तो सबसे पहला है इंद्रिय परक संस्कृति। इसमें दो चीज़ें हैं, अंतिम सत्य क्या है और जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इन संस्कृतियों के अनुसार जीवन का सत्य क्या होता है या जीवन का सत्य क्या होना चाहिए और जो जीवन के मूल्य हैं वो सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए, इनकी चर्चा इन्होंने की है। तो जब पहला हम इंद्रिय परक संस्कृति की बात करते हैं तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंद्रिय परक अर्थात जो इंद्रियों द्वारा हमें ज्ञात हो सके। जैसे जो अंतिम सत्य क्या है, इस संस्कृति के अनुसार अंतिम सत्य वही है जिसका इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान हो सके, जो हमें दिखाई देता है, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं। जैसे ठंडा गर्म, खट्टा मीठा, कोई मकान, कपड़ा, रोटी, मशीन, कारखाना आदि सभी तत्व सत्य हैं, क्योंकि व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा इनका अनुभव कर सकता है, इन्हें देख सकता है। तो जो इंद्रिय परक संस्कृति है उसके अंतर्गत अंतिम सत्य वही है या अंतिम सत्य उसी को मानते हैं जो कि व्यक्ति जिसका अवलोकन कर सकता है, जिसे व्यक्ति अपनी आँखों से देख सकता है। इसका जब नाम ही इंद्रिय परक है, इंद्रिय परक अर्थात जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जिनका अवलोकन किया जा सके। इसी में जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए, कि जो मानव का जीवन है उसके मूल्य, सर्वोच्च मूल्य इस संस्कृति के अनुसार क्या होने चाहिए। तो जब सत्य इंद्रिय परक वस्तुओं को माना जाता है तब जीवन के सर्वोच्च मूल्य खाओ पियो और मौज उड़ाओ ही हो सकते हैं। कि जब हम कहते हैं कि जीवन में क्या रखा है, केवल जीवन में क्या है, खाना पीना और मौज उड़ाना, कहने का तात्पर्य है
कि समाज एवं समुदाय जो भौतिक वस्तुओं के उपभोग तथा विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को महत्वपूर्ण मानता है। इस संस्कृति के अंतर्गत मानव के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किसे इम्पोर्टेंस दी जाती है? जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं का उपभोग है, और विज्ञान के द्वारा जो हमें आविष्कार से प्राप्त हुई है उनका अधिक महत्व होता है। इसी को सोरोकिन ने इंद्रिय परक संस्कृति कहा है, जिसका अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य वही है जो हमें इंद्रियों द्वारा दिखाई देता है। और सर्वोच्च मूल्य क्या है? सर्वोच्च मूल्य केवल जीवन को इसलिए जीना कि भौतिक संसाधनों का उपयोग करना, भौतिक संसाधनों का में रहना और उन्हीं के अनुसार आचरण करना होता है। तो सोरोकिन के अनुसार इंद्रिय परक संस्कृति में ये गुण होते हैं। अगला है विचारणात्मक संस्कृति। इसके अनुसार जो अंतिम सत्य है वो इंद्रिय बोध नहीं है। इस संस्कृति के अनुसार जो संसार है, जो मानव का समाज है, वो सब नश्वर होते हैं, जिन्हें एक दिन यही नष्ट हो जाना होता है। जो व्यक्ति है, भवन है, शरीर है, सब कुछ यही नष्ट हो जाते हैं, और ये सब कुछ सत्य नहीं हो सकते। जो इंद्रियों से ऊपर है वो ही सत्य होता है। तो जीवन का अंतिम सत्य इस विचारधारा, इस संस्कृति के अनुसार केवल और केवल भौतिक चीजें, भौतिक संसाधन नहीं है। अब जब सर्वोच्च मूल्यों की बात करते हैं, तो जब इंद्रिय बोध को असत्य माना जाता है और सत्य की कल्पना शाश्वत रूप में ही की जाती है, तब त्याग समाज के सर्वोच्च मूल्य होते हैं। तो जो विचारणात्मक संस्कृति है, इसके अंतर्गत जो त्याग होता है, जो किसी के लिए त्याग करना, बलिदान देना होता है, वो समाज के सर्वोच्च मूल्य होते हैं। और इस संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति इस संसार को मिथ्या समझता है कि ये जो सब दिखावा है, ये सब आडंबर हैं, और भौतिक संस्कृति केवल किसी भी का सर्वोच्च मूल्य नहीं हो सकता, और इसके अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग देना ही सर्वोच्च मूल्य होता है। व्यक्ति जब एकांतवास की इच्छा करता है, भारतीय दर्शन के इतिहास में शंकराचार्य का दृष्टिकोण इसका उदाहरण है। इस प्रकार के सर्वोच्च मूल्यों पर आधारित संस्कृति को सोरोकिन ने विचारणात्मक संस्कृति की संज्ञा दी है। कि जब हम बात करते हैं कि केवल भौतिक संस्कृति या भौतिक संपदा या भौतिक सुख सुविधाएँ ही सब कुछ नहीं होता, समाज में आके रहकर त्याग करना और उस त्याग के आधार पर सर्वोच्च मूल्यों का निर्धारण करना इस संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की संस्कृति को सोरोकिन ने विचारणात्मक संस्कृति कहा है। तीसरा है आदर्शवादी संस्कृति। अब जैसा कि आदर्शवादी नाम से स्पष्ट है कि जो चीज आदर्श होगी, आदर्शवादी होगी, तो इसके जो हम बात करें कि सत्य क्या है, इस संस्कृति के अनुसार सत्य वह भी है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, और सत्य वह भी है जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। कहने का तात्पर्य है, जो कुछ हम हमारे चारों ओर देखते हैं वह भी सत्य है, और जो हम नहीं देख पाते हैं वह भी सत्य होता है। अब यदि हम बात करें कि केवल जो दिखाई देता है वो ही सत्य है, तो जो क्या जो दिखाई नहीं देता वो सत्य नहीं है? ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे कि सपोज कीजिए जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं, जनरीतियां हैं, तो क्या वो सत्य नहीं है? यदि केवल भौतिक चीज़ें, भौतिक संसाधन ही सत्य हैं, तो जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़ियां हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हैं, तो क्या वो सत्य नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता। या एक तरफ हम ये कहें कि केवल और केवल जो अभौतिक संस्कृति है या जो हमारे परंपराएं, मूल्य, विश्वास हैं, वो ही सत्य हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, तो ये तो बात ही असत्य की श्रेणी में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो तो सत्य, और जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वह भी सत्य की श्रेणी में आता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है, और जिसे हम नहीं देख पाते हैं वह भी सत्य की श्रेणी में आता है। अब बात करें इस संस्कृति के अनुसार, आदर्शवादी संस्कृति के अनुसार, जो जीवन है उसके सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए। जब
अंतिम सत्य को दोनों ही रूपों में देखा जाता है, अर्थात सत्य वह भी है जो इंद्रिय बोध है, तथा सत्य वो भी है जिसका इंद्रियों द्वारा बोध होता है, जो इंद्रियों द्वारा हम देख पाते हैं, और सत्य वो भी है जो इंद्रियातीत होता है, जो इंद्रियों से परे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की संस्कृति में व्यक्ति भौतिक जीवन को निर्लिप्त भाव से भोगने को सर्वोच्च मूल्य मानता है। गीता का कर्म दर्शन उसका उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति फल की आशा किए बिना कर्म करता है। सोरोकी ने इस संस्कृति को आदर्शवादी संस्कृति का नाम दिया है। यदि हम गीता के उपदेश की बात करें कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो वो इस संस्कृति का उदाहरण हो सकता है कि व्यक्ति यदि कर्म करेगा तो उसे स्वयं ही फल मिल जाएगा। तो ये तीनों ही संस्कृतियाँ सोरोकिद ने अपने 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 अनुसार समझाई है, इंद्रियपरक, विचारणात्मक और आदर्शात्मक। तो इन तीनों संस्कृतियों में एक में केवल जो दिखता है वो सत्य है, एक में जो नहीं दिखता है वो सत्य है, और एक में दोनों को ही सत्य माना गया है। अर्थात इन दोनों के जो बीच की कड़ी है या बीच का मार्ग हम कह सकते हैं, उस वो आदर्शवादी संस्कृति के अंतर्गत निकाला गया है। अब हम लोग जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी व्याख्या करेंगे कि सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को कैसे समझाया है। तो सोरोकिन ने जो अभी हम तीनों संस्कृतियों के प्रकार पढ़े, तीनों अवस्थाएं पढ़ी, उसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। और सोरोकिन कहते हैं कि जब एक समाज विचारणात्मक संस्कृति के विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह धीरे धीरे विपरीत प्रकार की संस्कृति की ओर गतिशील होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जब मानव अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, जब मानव समाज में अध्यात्म अधिक बढ़ जाता है, या केवल जो दिखाई नहीं देता है या अभौतिक पक्ष, संस्कृति का अभौतिक पक्ष केवल उस दिशा में जो समाज है वो गति करने लगता है, और जब उसकी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो वापस धीरे धीरे इंद्रिय परक की ओर गतिशील होता है। जो भौतिक संस्कृति है, जो कि भौतिकवादी जीवन है, जो कि सुख सुविधाओं वाला जीवन है, उसकी तरफ वो वापस आकर्षित होने लगता है। लेकिन इंद्रिय परक सांस्कृतिक अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पूर्व वह समाज कुछ समय के लिए आदर्शवादी सांस्कृतिक व्यवस्था से होकर गुजरता है, क्योंकि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में धीरे धीरे विचारणात्मक संस्कृति के तत्वों को त्याग कर इंद्रिय परक संस्कृति के तत्वों को अपनाता है। अब यदि इसे हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो हम देखेंगे कि जो विचारणात्मक संस्कृति है, जिसके अंदर अध्यात्म या अभौतिकता या भौतिकवाद का विरोध, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, और जब समाज इन सब चीज़ों में बहुत अधिक लिप्त हो जाता है या इन सब चीज़ों की ओर अधिक गतिशील हो जाता है, तो धीरे धीरे समाज में वापस इंद्रिय परक संस्कृति की ओर जाना प्रारंभ करता है। इंद्रिय परक संस्कृति में भौतिकवाद की उच्चतम सीमा से पर पहुंचने से पूर्व कुछ समय तक वह दोनों की बीच की अवस्था में रहता है। जैसे जब विचारणात्मक संस्कृति है, उस अवस्था से निकलकर इंद्रिय परक संस्कृति की अवस्था तक पहुंचने के पूर्व जो बीच वाली अवस्था है वो आदर्शात्मक या आदर्शवादी संस्कृति की श्रेणी में आती है। और इसलिए जो परिवर्तन है वो परिवर्तन के मध्य में दोनों संस्कृतियां विचारणात्मक और इंद्रिय परक के समन्वय की स्थिति से होकर गुजरना आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार से जब एक समाज इंद्रिय परक सांस्कृतिक अवस्था के विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वह पुनः विचारणात्मक संस्कृति की ओर बढ़ता है। अब जैसे विचारणात्मक से इंद्रिय परक की तरफ समाज बढ़ा, ठीक उसी प्रकार से समाज इंद्रिय परक से विचारणात्मक की तरफ भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि जब समाज में भौतिकवाद अधिक हो जाता है, और भौतिकवाद अधिक होने के कारण यदि हम बात करें वर्तमान समाज में, यदि वर्तमान की हम बात करें तो जो वर्तमान में कोविड पैंडेमिक है, कोविड-19 पैंडेमिक है, तो हमने देखा इसमें जो समाज है जो भौतिकवाद की तरफ अधिक अग्रसर हो रहा था, तो इस काल में समाज वापस से विचारात्मक या भौतिक संस्कृति की तरफ मुड़ने लगा है।
जो जीवन है वो उसे नश्वर लगने लगा है, उसे लगने लगा है कि वर्तमान समाज या वर्तमान वर्तमान परिस्थितियों की हम बात करें तो ये जो जीवन है इसमें बहुत अधिक कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। केवल भौतिकवादी संस्कृति हमें वो नहीं दे सकती जो कि भौतिक या आध्यात्मिक संस्कृति हमें दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी इंद्रिय परक या विचारात्मक संस्कृति जो भी चरम स्थिति में पहुंचती है उसके विपरीत दिशा में वापस से वो संस्कृति जाने लगती है, उसकी विपरीत दिशा में वापस से वो संस्कृति निकलने लगती है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब भी इंद्रिय परक से विचारात्मक या विचारात्मक से इंद्रिय परक संस्कृति के जो बीच की अवस्था आती है जिसे हम कह सकते हैं दोनों का जो मध्य रूप है वो आदर्शवादी संस्कृति होता है। और धीरे धीरे समाज इंद्रिय परक संस्कृति से विचारणात्मक संस्कृति को अपनाता है और परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज पुनः दोनों संस्कृतियों के समन्वय की अवस्था आदर्शवादी संस्कृति से होकर गुजरता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आदर्शवादी संस्कृति से इंद्रिय परक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति से पुनः आदर्शवादी संस्कृति की अवस्था से होता हुआ विचारणात्मक संस्कृति की अवस्था में पहुंच जाता है। और यह परिवर्तन का क्रम सोरोकिन के अनुसार चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है। हमने जब सोरोकिन के सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या प्रारंभ की थी तो हमने देखा था कि सोरोकिन का जो सिद्धांत है वो जैसे एक साइकिल का पहिया होता है वो एक चक्र के रूप में होता है, उस चक्र के रूप में चलता है। और एक अवस्था जैसे मैंने आप लोगों को जब चक्रीय सिद्धांत भी बता रहा था, मैं जब हम चक्रीय सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे तब हमने देखा था कि जो एक चक्र के रूप में सामाजिक परिवर्तन होता है कि चाहे फैशन हो चाहे ऐसी कोई चीज जो कि पुनः एक अवस्था से प्रारंभ होकर वापस उसी अवस्था में आ जाती है। और यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो सभी कालों में ऐसा हुआ है। जब भौतिकवाद में अत्यधिक वृद्धि हुई तो जब भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वापस से व्यक्ति अभौतिक की तरफ जाने लगता है, अभौतिक संस्कृति की तरफ जाने लगता है। और यदि अभौतिक संस्कृति या समाज में अध्यात्म में अधिक वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति वापस से भौतिकवाद की तरफ जाने लगता है। तो ये सब जो कारण हैं, ये जो परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन, इसका एक चक्र निरंतर चलता रहता है। और ये निरंतर चक्र एक चक्रीय रूप में, एक चक्र के रूप में चलता है जो पुनः उस अवस्था में आ जाता है। और ये अवस्था निरंतर गतिशील रहती है और एक जो मध्य की अवस्था है वो अवश्य आती है, जिसे सोरोकिन ने आदर्शात्मक या आदर्शवादी संस्कृति कहा है। तो समाज के जो परिवर्तन का सोरोकिन ने क्रम बताया है वो चक्रीय क्रम बताया है, जिसमें कभी भी समाज एक समान या एक रेखीय या उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन नहीं देखता है। समाज के अंतर्गत ये इस प्रकार से चक्रीय परिवर्तन होता है कि मानव समाज जहाँ से प्रारंभ होता है ठीक वहीं पर आकर वापस रुकता है और उसी दिशा में गतिशील हो जाता है। तो ये आज हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को पढ़ा जो कि सोरोकिन ने दिया है। और ये सिद्धांत परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो सोशल चेंज है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से हम समझने का प्रयास करें या व्यवहारिक रूप से हम देखें, तो हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत समाज पर कहीं ना कहीं अवश्य लागू होते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसमें जो परिवर्तन होता है वो इस अनुसार होता है। कुछ परिवर्तन रेखीय होते हैं, कुछ तरंगीय होते हैं, तो कुछ चक्रीय होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चक्रीय परिवर्तन की व्याख्या की और ये जानने का प्रयत्न किया कि सोरोकिन ने किस प्रकार से तीन प्रकार की संस्कृतियां बताते हुए चक्रीय परिवर्तन की बात कही है और सामाजिक परिवर्तन को एक चक्र के रूप में समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।